इस कहानी में एक साइकोपैथ होता है जिसे लोगों को हर्ट करने में मज़ा आता है। जब लोग दुखी होते हैं तब उसे ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम सीज़र नाम के एक बंदे को देखते हैं जो क्लारा नाम की लड़की के साथ सोया होता है। इसके बाद सीज़र बिस्तर से उठकर लिफ्ट से नीचे जाता है और फ्रेश होकर उस बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों को अटेंड करता है। एक्चुअल में वो उस बिल्डिंग का केयरटेकर होता है जिसकी वजह से उस बिल्डिंग के सभी रूम्स की डुप्लीकेट चाबी उसके पास होती है और क्लारा सीज़र की वाइफ नहीं होती, वो सिर्फ उस बिल्डिंग में एक रूम में रहती है। सीज़र हर रात को क्लारा के रूम में जाता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसकी गुफा खोदता है और नमकीन पानी पीकर सुबह को वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लारा अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी वो सीज़र से टाइम पूछती है। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। ये देखकर सीज़र को बहुत बुरा लगता है। सीज़र अपनी बातों से या अपनी हरकतों से हमेशा लोगों को दुखी करता है। इसके बाद शाम को क्लारा जब वापस आती है तब रेस्ट करने के लिए वो अपने बेड पर लेट जाती है। उसी बेड के नीचे सीज़र भी छुपा होता है। जब क्लारा सो जाती है तब वो बाहर निकलकर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाता है और उसकी डेली इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में एक केमिकल मिला देता है और फिर रात भर उसकी जमकर बजाता है। जब सुबह होने से पहले वो वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसे एक अर्सला नाम की लड़की देख लेती है। फिर वो सीज़र को ब्लैकमेल करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं क्लारा केमिकल मिली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करती है लेकिन उसके बाद भी उसकी स्किन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मज़े में अपने काम पर जाती है। ये देखकर सीज़र बहुत अपसेट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक माँ बेटे को देखते हैं जो बिल्डिंग में क्लीनिंग का काम करते हैं। दूसरी तरफ सीज़र डेली क्लारा के बॉडी लोशन में केमिकल मिलाता था, अब धीरे धीरे इसका इफेक्ट क्लारा पर हो रहा था और वो क्लारा को लेटर और पेनफुल मैसेज भी क्या करता था। ये सब करने के बाद भी सीज़र सेटिस्फाई नहीं होता। इसके बाद वो मीठी चीज़ों की मदद से क्लारा के रूम में बहुत सारे कीड़े भर देता है। ये देखकर क्लारा परेशान हो जाती है और वो सीज़र से हेल्प मांगती है। इसके बाद सीज़र क्लारा को कुछ कपड़े और उसकी चीज़ें लाकर देता है, तभी क्लारा फिर से खुश होकर अपने ऑफिस निकल जाती है। जाते हुए वो सीज़र से कहती है प्लीज़ मेरे रूम को क्लीन करा देना। इसके बाद हम देखते हैं क्लारा को मिल रहे लेटर की वजह से उसने पुलिस को कंप्लेंट की होती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन सीज़र इस सब में उस क्लीनर बॉय को फंसा देता है जिससे पुलिस लेकर चली जाती है। ये सब करने के बाद उसका साइको लेवल और बढ़ जाता है और फिर वो क्लारा को मारने का प्लान बनाता है। फिर वो क्लारा के आने से पहले बेड के नीचे छुप जाता है लेकिन क्लारा आज अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आती है। फिर वो दोनों बेड पर घपा घप करने लगते हैं। नीचे सीज़र छुपा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तभी गलती से क्लोरोफॉर्म उसके ऊपर गिर जाता है और वो बेहोश होने से पहले रूम से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही बेहोश हो जाता है। तभी अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बाथटब में पाता है और उसी के सामने क्लारा ब्रश कर रही होती है। ये देखकर सीज़र बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लारा सीज़र का बैग देख लेती है, फिर वो सोचती है आखिर ये बैग किसका है। दूसरी तरफ सीज़र क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड की नज़रों से छुपकर बाहर निकल रहा होता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। तभी सीज़र कहता है कल रूम क्लीन करते टाइम मेरा बैग यहाँ रह गया था जिसे मैं लेने के लिए आया हूँ। क्लारा उसे बैग दे देती है और सीज़र वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सीज़र कुछ दिनों में ये अपार्टमेंट छोड़ने वाला होता है। ये बात पता होने के बाद उसके पास एक लेडी आती है और उसे कहती है हम सभी लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन सीज़र ये बात सुनकर उसे कुछ ऐसी बातें कहता है जिसके बाद वो लेडी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड वीकेंड के लिए जा रहे होते हैं। ये देखकर सीज़र बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सुसाइड करने का ट्राई करता है लेकिन तभी वो देखता है क्लारा वापस आ गई है। एक्चुअल में क्लारा प्रेग्नेंट थी लेकिन ये बात जानकर उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये दोनों जब भी इंटीमेट होते थे तब वो प्रोटेक्शन लेते थे। उसका बॉयफ्रेंड कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब सीज़र वहां आता है और दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर क्लारा की बजाता है। ये बच्चा सीज़र का ही होता है। अगली सुबह जब क्लारा रूम में नहीं होती तब उसका बॉयफ्रेंड सीज़र को बुलाता है और उसे सभी बातों की इंक्वायरी करने लगता है। एक्चुअल में क्लारा के बॉयफ्रेंड को रूम में क्लोरोफॉर्म की बोतल मिल जाती है जिसकी वजह से उसका पूरा शक सीज़र पर होता है। फिर ये दोनों लोग झगड़ा करने लगते हैं जिसमें क्लारा का बॉयफ्रेंड मारा जाता है और सीज़र इस मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो सीज़र से भी इंक्वायरी करती है लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन वहीं पर खड़ी अर्सला को सारी बातों की जानकारी होती है। इसके बाद हम देखते हैं सीज़र अर्सला की पूरी फैमिली को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर अर्सला को खिड़की से लटका देता है और उसे कहता है अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो वो उसके साथ पूरी फैमिली को जान से मार देगा। अगली सुबह फिर से पुलिस आती है लेकिन इस बार भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिन के बाद क्लारा की मॉम उसे बिल्डिंग से लेकर जा रही होती है। क्लारा बहुत ही परेशान होती है और रो रही होती है जिसे देखकर सीज़र को बहुत मज़ा आता है और उसे फाइनली अब सुकून मिलता है। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं क्लारा के हाथ में बच्चा होता है और क्लारा को लग रहा होता है ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का है। इसके बाद सीज़र उसे फिर से एक लेटर भेजता है जिसमें सारी सच्चाई लिखी होती है जिसे पढ़कर क्लारा बहुत दुखी होती है। इसी के साथ सीज़र उसे पूरी ज़िंदगी के लिए दुखी कर देता है। फिर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।